Hello student, welcome to the Gate Academy. In this video, we are going to discuss how to solve gate problems based on power signal and power signal topic from signals and system subject. Okay student, जैसा कि question आप screen पे देख पा रहे होंगे, screen पे जो question है वो EC15 का gate question है, 2 marks का problem है ये, और examiner ने आपको एक waveform given दिया है x of t, but examiner asking for the average power for g of t signal student. इधर okay? तो इसी क्वेश्चन को पहले तो हम कन्वेंशनल वे से करने वाले हैं. जैसे कि आप लास्ट वीडियो में देखे होंगे, वीडियो का थंबनेल में ये लिखा है कि स्मार्ट वे और स्मार्ट अप्रोच टू सॉल्व गेट प्रॉब्लम. इसका मीनिंग ये है स्टूडेंट कि आपको मल्टीपल वे मिलने वाले हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, पहली बात तो ये. दूसरी बात ये, यू कैन एनालाइज विच मेथड इज ऑप्टिमाइज फॉर यू एंड विच विल टेक लेस टाइम एक्चुअली. इज इट ओके स्टूडेंट? तो ऑफ कोर्स हम पहले कन्वेंशनल वे देखेंगे, उसके बाद हम स्मार्ट वे और कैसे ना कैसे शॉर्ट ट्रिक से उसको कम टाइम में करने की कोशिश करेंगे. इवन अगर बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है स्टूडेंट, तो शायद अच्छी प्रैक्टिस है ना, तो ऐसे क्वेश्चन को हम बिना पेन कॉपी के लिए भी, बिना पेन कॉपी को टच किए भी कर लेंगे. इज इट ओके स्टूडेंट? तो वीडियो को टिल एंड तक अच्छे से वॉच करिए, अच्छे से एनालाइज करिए, बहुत अच्छे से सुनिए स्टूडेंट, बिकॉज इफ यू आर एबल टू लिसन यू कैन अंडरस्टैंड. कोई ताकत नहीं रोक सकती समझने से, लेकिन पहली बात समझने की इंटेंशन होनी चाहिए. यू शुड हैव अ पॉजिटिव इंटेंशन टू लर्न. दूसरी बात ये कि आप में, आप यू शुड बी एनर्जेटिक, यू शुड गिव योर ट्रू एफर्ट. इज इट ओके स्टूडेंट? टू लिसन केयरफुली, अच्छे से सुनेंगे तो अल्टीमेटली पर्पज सोल्व होगा इस वीडियो को देखने का टिल द एंड. ओके, और जब when we are supposed to end this video, जब हम इस वीडियो को एंड कर रहे होंगे तो काफी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन के साथ एंड करेंगे, और पावर सिग्नल के क्वेश्चन को कैसे डील करना है स्मार्टली आप सीख पाएंगे. ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन है. हाउएवर मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को भी सोल्व नहीं करूंगा, पहले मैं बेसिक्स इन्वायरमेंट यहाँ क्रिएट करूंगा, पावर सिग्नल के बारे में आपको बताऊंगा, पावर सिग्नल का फॉर्मूला क्या होता है, पावर कैलकुलेशन किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, टाइम स्केलिंग पे या टाइम शिफ्टिंग पे या टाइम रिवर्सल पे या केवल एम्पलीट्यूड पे, है ना. तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन से हम इंपॉर्टेंट नोट बनाएंगे. ये जितने भी नोट बनेंगे, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ नोट, दैट विल सेव आवर टाइम इन द गेट एग्जामिनेशन. इधर ओके स्टूडेंट, तो देखिए ये जो पावर सिग्नल का, पहले सबसे पहले मैं बात करूंगा फॉर्मूले की पावर सिग्नल का. ए सिग्नल विच मेंटेन फाइनाइट मैग्नीट्यूड ओवर द इनफाइनाइट ड्यूरेशन इज कॉल्ड पावर सिग्नल. तो अगर पहला डिफरेंस मैं बोलूंगा तो ऑल फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल्स आर ऑलवेज एनर्जी सिग्नल्स, अगर वो फाइनाइट मैग्नीट्यूड कैरी करता है तो. और दूसरी बात ये, इफ द सिग्नल इज हैविंग इनफाइनाइट ड्यूरेशन बट फाइनाइट मैग्नीट्यूड, वी कैन से दैट सिग्नल इज ऑलवेज पीरियोडिक सिग्नल, दैट सिग्नल इज ऑलवेज पावर सिग्नल. एंड यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व स्टूडेंट कि जितने भी पीरियोडिक सिग्नल होते हैं, ऑल द पीरियोडिक सिग्नल्स आर ऑलवेज पावर सिग्नल, क्योंकि अगर वो सिग्नल पीरियोडिक है ना तो उसका ड्यूरेशन इनफाइनाइट होगा. आपको पता है कोई भी पीरियोडिक सिग्नल अपने आप को अपने रिपीट करता है आफ्टर द फंडामेंटल टाइम पीरियड, है ना. सुन लो, तो इसका मतलब ये कि ऑल द पीरियोडिक सिग्नल्स व्हिच इज हैविंग ए फाइनाइट मैग्नीट्यूड ऑलवेज हैविंग द इनफाइनाइट ड्यूरेशन, बिकॉज ऑफ दिस रीजन ऑल द पीरियोडिक सिग्नल्स आर ऑलवेज पावर सिग्नल. ओके स्टूडेंट, सो पावर का फॉर्मूला जो है सिग्नल्स का क्या हो गया, अगर मैं बात करूं एनर्जी के टर्म्स में ना, तो इट विल बिकम टोटल एनर्जी अपॉन टोटल टाइम, टोटल एनर्जी अपॉन टोटल टाइम. लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स के बारे में, और नॉन पीरियोडिक सिग्नल भी ऐसा हो सकता है जो कि इनफाइनाइट ड्यूरेशन हो, जैसे कि बात करूं मैं यूटी का, तो यूटी एक नॉन पीरियोडिक सिग्नल है लेकिन वो एक इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है, तो यूटी सिग्नल हमेशा पावर सिग्नल होगा स्टूडेंट. ओके, तो एक बात बताइए, टी का फॉर्मूला जो बनाने वाला हूं, मैं लिख रहा हूं लिमिट टी टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन, अब ये अपॉन में किसका डिवाइड करूं, यहां देखिए अगर लिमिट में माइनस टी से लेके प्लस टी ले लिया, मोड ऑफ एक्स टी का होल स्क्वायर डीटी, इसका मतलब मैं ओवरऑल टाइम पीरियड को 2t लिया, तो ओवरऑल टाइम पीरियड का डिवाइड होता है, मतलब लिमिट में जितना आप डिफरेंस है, द डिफरेंस ऑफ लिमिट जो टाइम का है उसको आप डिवाइड करोगे तो आपको पावर का फॉर्मूला. इसका मतलब ये भी हो गया स्टूडेंट कि अगर मैंने लिमिट माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू लिखा है ना, तो मेरे को डिवाइड केवल 1 बाई टी का करना है. आई होप यू गॉट द पॉइंट. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द नॉन पीरियोडिक टाइप ऑफ सिग्नल, फॉर नॉन पीरियोडिक टाइप ऑफ सिग्नल, फॉर नॉन पीरियोडिक टाइप ऑफ सिग्नल. If the signal is periodic student, we can directly go for this approach, we can directly go for this approach, we can find total energy, we can find total energy, we can find total energy upon, we have to divide by total fundamental time period, total फंडामेंटल टाइम पीरियड FTP में बोलते हैं, तो शॉर्ट में, तो इन शॉर्ट में फॉर्मूला ये लिख सकता हूं 1 अपॉन t लिमिट शुड बी 0 टू t, मतलब लिमिट का डिफरेंस 0 t, मोड ऑफ xt होल स्क्वायर dt, होल स्क्वायर dt.
तो ये पावर का फॉर्मूला बन गया फोर पीरियोडिक सिग्नल्स, फोर पीरियोडिक सिग्नल्स में पावर को इस तरह डील करने वाला हूं। अच्छा, जो गेट प्रॉब्लम आप इसी 2015 का स्क्रीन पे देख पा रहे हो अभी, वो एक पीरियोडिक सिग्नल है, आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। वंस इट इज अ पीरियोडिक सिग्नल, डेफिनेटली वो एक पावर सिग्नल होने वाला है। और एक और चीज, अगर कोई सिग्नल पावर है ना तो उसकी एनर्जी इंफिनिटी होगी, अगर कोई सिग्नल एनर्जी होता है ना तो उसकी पावर इंफिनिटी होता है। इफ द सिग्नल इज एनर्जी, देन एनर्जी इज फाइनाइट सर, एनर्जी इज फाइनाइट एंड पावर इज जीरो। And if the signal is power, then power is finite and energy is always infinite. Energy is always infinite. तो ये एक और important conclusion है जो कि हमको याद रखना चाहिए कि अगर कोई signal energy है तो उसका energy calculation करने के बाद जो energy का value आएगा वो finite आएगा, और अगर power निकालेंगे तो power zero आएगा। अगर power calculation करेंगे, कोई signal अगर power signal है, मतलब अगर कोई signal infinite duration signal है, मतलब अगर कोई signal periodic signal है और finite magnitude carry करता है, तो हम बोलेंगे कि वो signal power होगा, और power है तो power तो आएगा finite, लेकिन energy उसका आएगा infinite, उसी signal का energy आएगा infinite। Okay student, तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल देते हैं कि पावर कैलकुलेशन एक्चुअली डिपेंड किस पे करती है, उसके बाद ये गेट क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। ओके, तो ये फॉर्मूलेस आपको पता होने चाहिए, ये फॉर्मूलेस के बारे में मैं लिखा। ओके स्टूडेंट, सो एक सिग्नल में लेट किया है एच टी इक्वल टू ए कॉस ओमेगा जीरो टी प्लस थीटा, इसका मतलब मैं एक साइनोसोइडल सिग्नल लिया हूं स्टूडेंट, और कॉस फंक्शन हमेशा एक पीरियोडिक सिग्नल होता है, और कॉस फंक्शन ऑलवेज ए इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल हैविंग ए फाइनाइट ऑस्किलेशन, हैविंग ए कांस्टेंट ऑस्किलेशन। ओके, सो डेफिनेटली ये एक बाउंडेड सिग्नल है, इसीलिए ये पावर सिग्नल है, और ये पीरियोडिक सिग्नल भी है, और ये इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल भी है। ओके मेरे स्टूडेंट, तो देखिए x of t equal to a cos omega 0 t plus theta है एक, और मेरे को पावर का फॉर्मूला लगाना है यहां, तो आपको मैंने अभी बताया पावर का फॉर्मूला क्या लग जाएगा पीरियोडिक के लिए सर, ओवरऑल टाइम 1 upon t, और इंटीग्रेशन ऑफ मैं बोल सकता हूं क्या -t/2 से +t/2, या फिर 0 से लेकर t भी बोल सकता हूं, अल्टीमेटली लिमिट का डिफरेंस कैपिटल t होना चाहिए। और यहां आ जाएगा सर आपका a स्क्वायर, a जो ले लिया बाहर में, और यहां ले लिया मैं क्या cos स्क्वायर ओमेगा 0 t plus theta। ओके स्टूडेंट, ये सब क्वेश्चंस क्यों ले रहे हैं हम, इनके पीछे इंटेंशन केवल ये है कि यहाँ से कुछ आपको स्मार्ट नोट मिल जाए, एक शॉर्ट नोट मिल जाए जो कि एज ए शॉर्ट ट्रिक वर्क करे सॉल्यूशन ऑफ गेट के लिए। स्टूडेंट गेट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए वो आपके लिए शॉर्ट ट्रिक की तरह वर्क करेगा, इसीलिए कुछ एग्जांपल्स आप देखे होंगे जो लास्ट वीडियो देखे होंगे, समझ में आ गया पर क्या इन वीडियोस को बनाने का इंटेंशन है, कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कुछ स्मार्ट वे में गेट को अटेंड करना है और कैसे टाइम को सेव करना है वो स्टूडेंट एनालाइज कर सके। स्टूडेंट सो इस क्वेश्चन से भी सॉल्यूशन के बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन आएगा, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आएगा, वो जो हमारे लिए शॉर्ट ट्रिक बनेगा उसको हम इस गेट ईसी 2015 अप्लाई करेंगे तो हम टाइम सेव कर पाएंगे। इस ईसी 15 क्वेश्चन को पहले हम कन्वेंशनली करेंगे, फिर हम उसमें स्मार्ट मेथड अप्लाई करेंगे। तो जरा बताइए स्टूडेंट, जब आप इसको ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे इसमें सिंपल सा, तो क्या मिलेगा आपको ए स्क्वायर अपॉन टी, और अगर मैं लिख दूं यहाँ -t/2 to +t/2 ऑलरेडी है सर, और ये क्या बन जाएगा आपका 1 plus cos of 2 पूरा ये ओमेगा 0 टी प्लस थीटा cos of twice ओमेगा 0 टी प्लस थीटा अपॉन 2 एंड डीट अपॉन डीट। तो इसका मतलब ये कि मैं जो इंटीग्रेट कर दूं, देखिए आप a² upon t तो बाहर, और अगर ये दो सिग्नल की फॉर्म में बना दूं मैं कि -t/2 से लेके +t/2 to +t/2 द फर्स्ट सिग्नल इज नथिंग बट सर हाफ, मैं और ब्रैकेट ले लिया a²/t बाहर, इवन मैं a² upon 2t कर देता हूं बाहर, इस हाफ को भी मैं अल्टीमेट बाहर ही ले लेता हूं, तो a² upon 2t बाहर है, यहां पे रहा केवल आपका 1dt, और सेकंड सिग्नल में रहा आपका क्या स्टूडेंट -t/2 to +t/2 cos ऑफ 2 ω0t + 2θdt। अब स्टूडेंट ये कोई भी एक साइनसोइडल सिग्नल अपने पूरे टाइम इंटरवल के अंदर ये इंटीग्रेशन जब हम करते हैं इसका मतलब होता है एक्चुअली एरिया निकालना। तो अगर मैं कॉस सिग्नल को किसी भी टाइम पीरियड में इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को पता है कि ये कॉस सिग्नल ये वाला पैटर्न बार बार रिपीट होने वाला है। तो स्टूडेंट ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ये जो सिग्नल है ये वाला एरिया मिलके इस एरिया को कंपनसेट करता है। तो अगर आप ओवरऑल फंडामेंटल टाइम पीरियड टी में कभी भी साइनसोइडल सिग्नल को इंटीग्रेट जब हम करेंगे ना सो वी विल गेट जीरो आंसर स्टूडेंट। तो ये ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज भी है, डायरेक्ट हम इसको जीरो कर सकते हैं, अगर आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करोगे तो भी आपको आगे वैल्यूज में जीरो मिलने वाला है। इसका मतलब मेरे को केवल इसको जीरो इसको केवल इंटीग्रेट करना है, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन तो टी होता है स्टूडेंट, और अप्लाई द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यू विल गेट टी बाई टू माइनस टी बाई टू, सो एक्चुअली यू विल गेट टी ओनली, सो ए स्क्वायर अपॉन टू टी तो यहाँ है
और इस पूरे का सॉल्यूशन कैपिटल टी आया ओनली, कैपिटल टी से कैपिटल टी कैंसिल हो गया स्टूडेंट। सो समरी ये है कि इस वाले बॉक्स को अगर मैं आगे एक समरी बना दूं आपके लिए, समरी नोट बना दूं मैं, तो समरी ये है कि x of t सिग्नल अगर है तो उसका पावर कैलकुलेशन क्या होता है, उसका पावर कैलकुलेशन केवल ये होता है a square by 2। सो क्या एक लर्निंग है स्टूडेंट ये कि क्या मैं यहाँ थीटा की जगह 2 थीटा कर दूं या 5 थीटा कर दूं या 45 डिग्री कर दूं, क्या वो पावर पे इम्पैक्ट करेगा, क्या वो पावर पे डिपेंड करेगा? नो सर। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि टाइम शिफ्टिंग पावर पे इफेक्ट नहीं कर रहा। टाइम स्केलिंग, यहाँ ओमेगा जीरो हो चाहे 2t हो, चाहे 2 ओमेगा 0t हो, चाहे 5 ओमेगा 0t हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे यहाँ माइनस हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इम्पोर्टेंट कंक्लूजन ये आया स्टूडेंट कि पावर कैलकुलेशन इज इंडिपेंडेंट टू, पावर कैलकुलेशन इज इंडिपेंडेंट टू टाइम स्केलिंग। तो पावर कैलकुलेशन इज इंडिपेंडेंट टू टाइम स्केलिंग एंड टाइम रिवर्सल, हम बोल सकते हैं टाइम रिवर्सल और हम क्या बोल सकते हैं टाइम शिफ्टिंग। सो पावर कैलकुलेशन कभी भी टाइम स्केलिंग टाइम रिवर्सल पे डिपेंड नहीं कर रही। सो इट विल ओनली डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड स्टूडेंट। ये आपके लिए एक और शॉर्ट नोट आ गया, ये आपके लिए एक और ऑब्जर्वेशन आ गया। तो दो ऑब्जर्वेशन है आपके, पहली तो क्या कि कभी भी कोई देख ले आप साइनसोइडल सिग्नल तो उसका पावर केवल एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, मतलब जो आगे कांस्टेंट वैल्यू है मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर अपॉन 2 कर दीजिए, पावर आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे ना। तो ये एक ऑब्जर्वेशन। सेकंड कंक्लूजन सेज दैट कि पावर कैलकुलेशन इज इंडिपेंडेंट टू टाइम स्केलिंग, पावर कैलकुलेशन इज इंडिपेंडेंट टू टाइम रिवर्सल एंड पावर कैलकुलेशन इज इंडिपेंडेंट टू टाइम शिफ्टिंग आल्सो। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ चुका है। अब मैं चलता हूँ उस गेट प्रॉब्लम पे जो कि इसी 2015 जब मेरा वीडियो स्टार्ट हुआ था तो मैंने स्क्रीन पे शो किया था, उसी वीडियो को सॉल्यूशन में मैं अब आऊंगा और एंड तक देखते हैं उसके कितने मेथड से हम उसको क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ द ईसी 2015 गेट प्रॉब्लम। इट इज द गेट प्रॉब्लम दैट हैज बीन आस्क्ड इन ईसी 2015। क्वेश्चन को जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो, क्वेश्चन का डायग्राम में यहाँ बनाया आपके लिए। अच्छा, इसी क्वेश्चन को हम अच्छे से अगर डिस्कस करें, ओके, डायग्राम भी मैं आपके लिए यहाँ बनाया, ईसी 15 क्वेश्चन है जीटी। आपको एक्स ऑफ टी का वेवफॉर्म दिया है स्टूडेंट और आपको एग्जामिनर ने किसके लिए एनर्जी निकालने के लिए बोला है, जी ऑफ टी का एनर्जी निकालने के लिए एग्जामिनर ने आपको बोला है। सो स्टूडेंट, अगर आपको पिछले वाले नोट के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती, मान लो अगर आपकी ऑब्जर्वेशन ये नहीं है कि पावर कैलकुलेशन शिफ्टिंग स्केलिंग और रिवर्सल पर डिपेंड नहीं करता, वो केवल एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, तो अगर आपको ये नॉलेज नहीं होती, मैं बोल रहा हूँ नहीं होती, तो कैसे करते? तो अगर मैं उसको बोलूँ कि वो फर्स्ट मेथड होता मेरा, अगर मैं डायरेक्ट करूँ कन्वेंशनली, क्या करूं कन्वेंशनली, पहले मैं एक्स टी की हेल्प से जी टी को ड्रॉ करूं, तो आप देखोगे कि सर जी टी को ड्रॉ करने के लिए कौन कौन से ऑपरेशन लगेंगे। एक्स ऑफ, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, t/2 - 1/2 लिख सकता हूं क्या स्टूडेंट, डेफिनेट सर आप लिख सकते हो। तो इसका मतलब जी टी को ड्रॉ करने के लिए टू कंस्ट्रक्ट द जी टी कर्व सबसे पहले मेरे को एक्स टी में शिफ्टिंग करना पड़ेगा। द नेचुरल ऑर्डर टू परफॉर्म जब भी whenever in any expression if shifting and scaling operation are involved then the natural order to solve is shifting followed by scaling, the shifting के बाद scaling करेंगे। तो ये वाला जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो perform करेंगे, तो यहाँ से यहाँ right से left में आते हैं तो पहले shifting आता है सर, -1/2 से shifting का मतलब ये है कि आप इस curve को right में लेके जाओगे half जितना, तो ये 0/2 बन जाएगा, 1 1.5 बन जाएगा, 2 2.5 बन जाएगा, -1 -1/2 बन जाएगा, और फिर ये हाफ से स्केल का मतलब है कि जो भी टाइम एक्सेस है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप यू गॉट द पॉइंट स्टूडेंट। जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ये सिग्नल स्टूडेंट, ये सिग्नल एक्सपांड हो जाएगा, सिग्नल ब्रॉड हो जाएगा। जो फंडामेंटल टाइम पीरियड अभी आपको 3 दिखाई दे रहा है ना -1 से 2, वो फंडामेंटल टाइम पीरियड फिर 6 हो जाएगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो आप सोचो कि आप कितने रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाएंगे अगर स्टूडेंट इफ यू आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व दिस कंसेप्ट दैट द पावर कैलकुलेशन इज इंडिपेंडेंट टू द टाइम स्केलिंग टाइम शिफ्टिंग एंड टाइम रिवर्सल। इसका मतलब जो स्टूडेंट ने पिछला वीडियो ये कंक्लूजन समझ लिया ना, वो इस क्वेश्चन को देख के क्या ऑब्जर्व कर लिए कि पावर ऑफ जी टी इज नथिंग बट द पावर ऑफ एक्स टी, दैट्स इट, पावर ऑफ जी टी इज नथिंग बट द पावर ऑफ एक्स टी।
गेट एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए एक्सटी का वेवफॉर्म दिया और आपसे पावर पूछा जीटी का। जो स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट नहीं रखते, जिनको वो कंक्लूजन नहीं पता था, उनको पहले जीटी ड्रॉ करना पड़ेगा और फिर कन्वेंशनल फॉर्मूला से वो मैथमेटिकल इक्वेशन लिख के डायरेक्ट जो सिग्नल का लाइन का इक्वेशन आएगा जिस रेंज में, उसमें इंटीग्रेट करेंगे, स्क्वायर करेंगे, लिमिट लगाएंगे। कम से कम 5 मिनट से ज्यादा का प्रोसीजर है, कम से कम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिनिमम विल टेक 5 मिनट स्टूडेंट, इज इट ओके। बट वो फर्स्ट मेथड हमारे लिए अब रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि हम तो ऑलरेडी बोल चुके कि हमको ये पता है कि एक्सटी और जीटी का पावर सेम होने वाला है, पिछले वाले कंक्लूजन ने बनाया। आपको शायद अब समझ में आएगा क्योंकि क्यों डायरेक्टली मैंने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं बताया। मैं पहले कंसेप्ट बताया आपको, फॉर्मूला बताया आपको, पावर की कैलकुलेशंस के सिग्नल्स के बारे में बताया, उसका फॉर्मूलाज बताया पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक में, और उसके बाद इंपॉर्टेंट कंक्लूजन की बात भी किया। अब हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो गया। तो ये फर्स्ट मेथड को मैं फॉलो नहीं करूंगा। मैंने बताया कि फर्स्ट मेथड ऐसा किया जाता है जो कि अगर थोड़ी बहुत भी स्टूडेंट अच्छे से प्रिपरेशन करता है तो उसको ये मालूम होना चाहिए, और वो इस फर्स्ट मेथड के थ्रू नहीं जाता। तो वो किसके थ्रू जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं ना, वो जाता है सेकंड मेथड के थ्रू। चलिए अब मैं यहां डिस्कस करता हूं सेकंड मेथड। इस क्वेश्चन के भी मैं 3 मेथड डिस्कस करने वाला हूं। मैं फर्स्ट मेथड उसको माना हूं जब मैं जीटी को ड्रॉ करूं। मैं यहां ड्रॉ नहीं करना चाहता, दैट विल एक्चुअली द रिडंडेंट एफर्ट ओनली। ओके स्टूडेंट, सो जो भी हम वर्क करेंगे दैट विल टोटली रिडंडेंट, तो मैं वो करना भी नहीं चाहता इवन, क्योंकि हाफ को राइट में शिफ्ट करेंगे, सिग्नल कैसा बनेगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कैसा राइट में शिफ्टिंग होता है, तो आपको पता ही होगा। तो जीडी और एक्सटी का कर्व सेम है सर, तो एक बात बताओ, क्या पावर कैलकुलेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट इसी में अप्लाई कर दे? अब इसी में अप्लाई कर दे तो आपने बोला कि सर टोटल टाइम तो 3 है सर, फंडामेंटल टाइम पीरियड तो 3 है, लेकिन इफेक्टिवली लिमिट -1 से लेके +1 पे जा रहा है। इफेक्टिव लिमिट गोज टू -1 टू +1 ओनली बिकॉज द सिग्नल इज हैविंग 0 वैल्यू फ्रॉम 1 to 2, from 1 to 2 0 value, इधर ओके। तो देखो यहां 1/3 -1 से लेके +1, और इस लाइन का इक्वेशन लिखना मैंने आपको सिखाया, ये लाइन का इक्वेशन लिखना। अगर मैं इसको भी सेकंड मेथड बोल दूं कि भाई ये लाइन का इक्वेशन लिखना जिसको नहीं आता, तो वो किस कैसे करेगा? वो इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट निकालेगा, कैसे? ऐसे x1 y1 और इसको क्या करेगा x2 y2, फिर एक लाइन का इक्वेशन आएगा, उस लाइन के इक्वेशन को वो यहां लिखेगा और उसका स्क्वायर करके dt करेगा, तो फिर पावर आएगा। बोलो यस और नो स्टूडेंट। लेकिन मैं उसको सेकंड मेथड नहीं ले रहा, सेकंड मेथड मैं उसको ले रहा हूं क्योंकि मेरे ये मान के चल रहा हूं कि पिछले वाले प्रीवियस वीडियो में आप एनर्जी कैलकुलेशन वाले वीडियो में आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना स्मार्ट वे से सीख चुके हैं। थंबनेल में जो लिखा है स्मार्ट वे का, उसका मीनिंग आप इफेक्टिवली शायद समझ पा रहे होंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ ये क्या मतलब है, यहाँ अगर आप कन्वेंशनली जा रहे हो इस फॉर्मूले से, तो इसका मतलब अभी भी आप पिछले वीडियो नहीं देखे, y2 - y1 / x2 - x1 and x - x1, इट इज अ कन्वेंशनल वे, कन्वेंशनल वे। तो वो हो सकता है मेथड 2 हो या मेथड 1 में आप यूज किए हो, लेकिन वैसा करना नहीं है। So, करना क्या स्टूडेंट, 1/3 मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे इस लाइन का इक्वेशन लिख, लाइन का इक्वेशन थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था स्मार्ट मेथड से कैसे लाइन का इक्वेशन लिखे। मैं नहीं चाहूंगा कि आप इस मेथड से इक्वेशन लिखे, ये भी हमारे लिए रिडंडेंट हो चुका है, इस मेथड को फॉलो हम नहीं करने वाले। तो हम लिखेंगे क्या कि स्लोप, हमने क्या लिखा था, स्लोप इंटू टी प्लस इंटरसेक्शन पॉइंट इन द वाई एक्सिस प्लस इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। इट इज अ स्मार्ट वे, it is a smart way to write the question, to write the straight line equation. So straight line का slope कितना है? So difference in y upon difference less करिए आप, difference in y कितना है? 3 और -3 का difference 6 है, और -1 से +1 का difference 2 है, तो 6/2 slope आ गया सर इसका 3, लेकिन क्योंकि slope जो है वो downward जा रहा है, तो इसका मतलब -3 slope हो गया। तो -3 slope कैसे हुआ? Difference in y 6/2, 3 और -3, तो -3 तो स्लोप हो गया, स्लोप का काम -3 हो गया, मल्टीप्लाई विद t - t प्लस इंटरसेक्शन पॉइंट इन द y एक्सिस। अच्छा एडवांटेज यहां ये है कि इंटरसेक्शन पॉइंट तो 0 हो गया सर, तो आप बोलोगे -3t + 0 इसका इक्वेशन हो गया। आप केवल सपोज करना कि अगर आप फर्स्ट मेथड से gt को ड्रॉ किए होते ना स्टूडेंट, तो ये वाला कर्व पता है हाफ शिफ्ट हो गया था राइट में, और उसके बाद 2 से स्केल होने का मतलब ये कि ये जो 0 है ना ये +1 बन गया था, ये जो +1 है ना ये फिर वापस 3 बन गया था, और ये जो 2 है ना ये नेक्स्ट में वापस जाके 5 बन गया था। आई होप यू गॉट द पॉइंट।
मैं जीटी कर्व की बात कर रहा हूँ, जो जीटी कर्व ड्रॉ करे, अगर आपके पास बहुत अच्छा टाइम है तो एक बार जीटी कर्व को ड्रॉ करना, मैं बोल रहा हूँ ड्रॉ करना जीटी कर्व को, और ये फील करना कि उस जीटी कर्व को ड्रॉ करने के बाद पावर निकालेंगे तो कितना टाइम लगता है कैलकुलेट करना, और लास्ट में जब मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ उसके टाइम को नोट करना कि कितने कम टाइम में आप उस गेट प्रॉब्लम को सोल्व कर पाओगे। तो मैं तीन मेथड से बात करूंगा, ये मैं चल रहा है सेकंड मेथड, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ये है सेकंड मेथड। तो आप जरा ध्यान से बताइए स्टूडेंट, क्या माइनस थ्री टी प्लस जीरो, तो ये इक्वेशन क्या हो गया सर आपका माइनस थ्री टी प्लस जीरो, उसका होल स्क्वायर कर दी थी डीटी, तो ये है इसका सेकंड मेथड, मतलब स्मार्ट अप्रोच। तो आप देख रहे हो क्या माइनस वन से प्लस वन, ये हो गया माइनस थ्री का होल स्क्वायर, को बाहर ले सकता हूं मैं, और टी स्क्वायर को इंटीग्रेट कर देना है आपको डीटी के रेस्पेक्ट में, तो ये तो आ गया सर नाइन अपॉन थ्री, व्हेन यू इंटीग्रेट दिस व्हाट यू विल गेट टी क्यूब अपॉन थ्री, लिमिट माइनस वन से लेके प्लस वन सर। तो आप देख रहे हो थ्री थ्री जा नाइन से नाइन कैंसिल हो चुका है, और व्हेन यू अप्लाई द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट स्टूडेंट व्हाट यू विल गेट टू, सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टू ओनली, न्यूमेरिकली एंट्री क्वेश्चन है ये। So, numerically entry question में आपको type केवल 2 करना है, ये numerically entry question का answer हो गया 2। First method बहुत lengthy था, even मैंने किया भी नहीं यार, मैंने आपको feel करा दिया कि कैसे किया जाता है conventionally second first वाले method को, जो कि कम से कम 5 minute लेगा, that will take 5 minute। तो आप ये देखो कि सर ये तो बहुत आसानी से हो गया, इसमें तो हमने बहुत आसानी से कर लिया, शायद इसको तो हम 40 second में या 50 second में easily कर सकते हैं। मैं अब आपको देने वाला हूं एक और वे, एक और स्मार्ट अप्रोच टू सोल्व दिस क्वेश्चन। तो हम देख सकते हैं कि हम कैसे मल्टीपल वे से एक गेट प्रॉब्लम को सोल्व कर पा रहे हैं, एक गेट प्रॉब्लम को कैसे मल्टीपल वे में अलग अलग तरीके से हम सोल्व कर पा रहे हैं। और थर्ड मेथड, देखिए थर्ड मेथड क्या, अब ये थर्ड मेथड उनके लिए इफेक्टिव है जिन्होंने लास्ट वीडियो जो कि एनर्जी कैलकुलेशन वाला है वो आपने अगर देखा है तो थर्ड मेथड आपके लिए इफेक्टिव होगा समझना। तो थर्ड मेथड हो गया इसका क्या, क्या स्टूडेंट इस वाली वेवफॉर्म को देखो, जब भी हम बात करेंगे ना मैग्नीट्यूड का, जब भी हम बात करते हैं मोड का, तो आप देखोगे कि ये सिग्नल तो पॉजिटिव है, जब मैं इसका मोड लूंगा ना स्टूडेंट, ये माइनस थ्री वाला सिग्नल है मोड, तो ये कर्व भी ऊपर बन सकता है ऐसा, ये कर्व भी पूरा ऊपर बन सकता है ऐसा। तो आपको पता है ये एक ट्रायंगल की तरह वर्क कर सकता है, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी एक ट्रायंगल की तरह वर्क कर सकता है। कहने का मतलब ये कि जब मैं इसी 15 का मोड कर्व बना दूं, मोड वाला कर्व बना देंगे, क्योंकि आपको पता है पावर में तो मोड ऑफ एक्स टी चाहिए होता है पावर के फॉर्मूले में, तो कि एक्चुअली पावर जीटी का पूछा है, लेकिन जीटी का कैलकुलेशन, जीटी का पावर और एक्स टी का पावर सेम क्यों है, क्योंकि ये जीटी में जो शिफ्टिंग और स्केलिंग है ना, इस पे पावर कैलकुलेशन डिपेंड नहीं करता। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो पावर कैलकुलेशन इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट टू द टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग एंड टाइम रिवर्सल, वी हैव ऑब्जर्वड इन द लास्ट नोट, एंड सारे नोट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क किए। तो अगर मैं इसको आपके लिए थर्ड मेथड बताऊं आपको, तो ये कर्व कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है ऐसा, और आगे भी कंटिन्यू जा रहा, मतलब मैं उसके बाद नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा माइनस वन जीरो प्लस वन और यहाँ पे टू, फंडामेंटल टाइम पीरियड थ्री, फंडामेंटल टाइम पीरियड थ्री। तो स्टूडेंट फंडामेंटल टाइम पीरियड थ्री, इसका मतलब मेरे को 1/3 से डिवाइड करना ही, 1/3 का डिवाइड तो मेरे को करना ही, लेकिन क्या मैं, अब मैंने आपको एक तीर दिया था कि पावर कैलकुलेशन इन द पीरियडिक इंटरवल इज नथिंग बट टोटल एनर्जी अपॉन फंडामेंटल टाइम, टोटल एनर्जी अपॉन फंडामेंटल टाइम। तो जरा बताओ स्टूडेंट, एक ट्रायंगुलर की मैंने आपको दिखाई थी वेवफॉर्म, ये ऊपर कितना है 3 है ना सर, तो यहां पे तो 3 है सर, और यहां भी ये माइनस 3 से ऊपर आ गया तो ये भी क्या हो गया 3 हो गया सर। स्टूडेंट जरा बताइए, क्या मैंने आपको एक ट्रायंगुलर वेवफॉर्म के लिए स्मार्ट तरीका बताया, ये a स्क्वायर अपॉन 3 इनटू b, या फिर मैग्नीट्यूड स्क्वायर अपॉन 3 इनटू विड्थ। सो व्हाट इज a, a स्क्वायर का मतलब ये 1 तो बाहर है ही ऑलरेडी, क्योंकि फंडामेंटल टाइम पीरियड था, 3 स्क्वायर का मतलब हो गया 9, 3 a स्क्वायर का मतलब हो गया 3 है ना यार, तो लिखता हूं मैं, तो 3 स्क्वायर अपॉन 3 इनटू b, b मतलब ये है ड्यूरेशन 1, प्लस यहां पे वापस कर रहा हूं मैग्नीट्यूड स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, इवन अगर आप इसको नीचे ना भी लिए, अगर आप -3 ही लिए तो भी आपको -3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। मान लो इस सिग्नल को आप ऐसा ना बना के -3 लिए होते तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल क्या होता, -3 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर अपॉन 3 इनटू ड्यूरेशन, मतलब ये ड्यूरेशन ये, तो आप इसको सॉल्व करो स्टूडेंट जरा सा, तो ये क्या हो गया 3 स्क्वायर 9, और ये 1 3 से 1 3 कैंसिल, यहां 1 3 से 1 3 कैंसिल, अल्टीमेट 3 कॉमन लोगे तो कहने का मतलब ये है कि सब कुछ कैंसिल होके 1+1 बनाएगा, आंसर 2 आएगा। सो ये है स्मार्ट मेथड थर्ड वे, दैट विल टेक लेस देन 30 सेकंड टू सॉल्व द गेट प्रॉब्लम। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट कि एक गेट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने 3 मेथड देखे। पहला मेथड तो इतना लेंथी था जिसको हमने केवल फील किया, और बिल्कुल ये यहाँ पे करने लायक भी नहीं, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है।
ऐसा ही मेथड मैंने पहले वाले वीडियो में किया था यार एनर्जी वाले में, क्योंकि उस वीडियो में मैं समझा चुका ऑलरेडी, इसीलिए मैं वापस इसको फॉर्मेट से तो नहीं लिया, लेकिन मेरे को आप मैंने आपको बताया जरूर है कि इस मेथड से बहुत सी गेट बुक में सॉल्यूशन दिया भी होता है इधर, ओके। तो वो एक्चुअली टाइम टेकिंग प्रोसेस है और हमको उसके थ्रू कभी नहीं जाना चाहिए इधर, ओके। यू आर सपोज टू सॉल्व बाय यूजिंग दिस टेक्निक और दिस टेक्निक, और स्टूडेंट ये टेक्निक वो यूज करते हैं जो बहुत कन्वेंशनली बहुत कंसेप्चुअल स्ट्रांग होते हैं, वो ये यूज करते हैं, ये वाले तो बहुत रेयर यूज कर पाते हैं, बहुत रेयर। तो ये आपके लिए एक गिफ्ट है जो मैं यहाँ इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ, बहुत अच्छे से इसको कैरी कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, और इस सिग्नल के इस क्वेश्चन को सोल्व करने के हमने देखे हैं 3 मेथड, आंसर आएगा स्टूडेंट केवल 2। तो एवरेज पावर फॉर दिस सिग्नल, ये गेट क्वेश्चन EC15 का क्वेश्चन है, आंसर है इसका 2। ओके स्टूडेंट, तो आइए देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन और जो कि पावर सिग्नल पे बेस्ड है, और अब उस पिछले वाले क्वेश्चन को 3 मेथड से करने के बाद शायद इलेक्ट्रिकल 17 क्वेश्चन जो अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इलेक्ट्रिकल 3 क्वेश्चन में लिखा है कि मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द गिवन पीरियोडिक वेवफॉर्म FT इज। सो पहली बात, जैसे ये सिग्नल आपने देखा कि FT सिग्नल अगर पीरियोडिक है तो ये पावर सिग्नल है। थोड़ा सा एक और कंसेप्ट हम देख लेते हैं कि पावर और RMS में क्या रिलेशन होता है। तो अगर मैं बात करता हूं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज इक्वल टू नथिंग बट रूट ऑफ पावर। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो RMS इज नथिंग बट रूट ऑफ पावर। इफ आई एम स्क्वायरिंग बोथ साइड स्टूडेंट, तो ये रूट हट जाएगा, व्हेन यू स्क्वायरिंग बोथ साइड रूट हट जाएगा, मतलब ये क्या रहेगा, केवल ये रहेगा केवल मीन स्क्वायर वैल्यू। सो मीन स्क्वायर वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू पावर, एक्चुअली। तो अगर आपको कहीं मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला है, इसका मतलब आपको पावर कैलकुलेट करने के लिए बोला है। इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली मेथड नंबर 3 से करूंगा, मतलब डायरेक्टली मैं स्मार्ट अप्रोच से आप करने वाला हूं। पहले मैं आपको ये बता दिया कि क्या कन्वेंशनल होता है और क्या स्मार्ट, अब मैं डायरेक्ट वापस कन्वेंशनल से करेंगे तो वापस टाइम टेकिंग लग जाएगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को, इवन मेरे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बिना पेन कॉपी के कर सकते हैं। यू हैव अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट यूजिंग नोटबुक एंड पेन स्टूडेंट, यू कैन जस्ट फील दिस डायग्राम। मैं आपके लिए क्वेश्चन डायग्राम बनाता हूं पहले। ओके स्टूडेंट, ये वही क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल 2017 का, इट इज इलेक्ट्रिकल 2017 क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, डायग्राम मैंने क्वेश्चन का यहाँ भी बना दिया, और एग्जामिनर आपको पूछ रहा है स्टूडेंट मीन स्क्वायर वैल्यू, मतलब यू आर सपोज टू कैलकुलेट पावर। तो डायरेक्ट हम स्मार्ट वे यूज कर रहे हैं, मैं पावर का इवन फॉर्मूला भी यूज नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट स्मार्ट वे में बात करूंगा, क्योंकि मैं पहले ही पिछले क्वेश्चन में कन्वेंशनल वे के बारे में बात कर चुका हूँ, फॉर्मूले के बारे में बात कर चुका हूँ। तो व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट स्टूडेंट, कि पावर इज नथिंग बट टोटल एनर्जी अपॉन फंडामेंटल टाइम, और टोटल एनर्जी निकालने का एक फंडामेंटल रूल हमने लास्ट वीडियो में देखा है, जिसका हेडिंग था एनर्जी वाला, एनर्जी कैलकुलेशन का जो बात किया था हम, स्मार्ट वेज टू अटेंड द अप्रोच द गेट प्रॉब्लम्स और सॉल्व द गेट प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एनर्जी सिग्नल का जो वीडियो आपने देखा अभी, उसमें आप देख चुके हैं कि कैसे एनर्जी निकालते हैं इसका, मैग्नीट्यूड स्क्वायर इनटू ड्यूरेशन, और पावर कब बन जाएगा जब मैं टोटल फंडामेंटल टाइम पीरियड का डिवाइड कर दूंगा। तो आप लोग देख सकते हो कि फंडामेंटल टाइम पीरियड तो 4 है सर। इवन स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप फील करना वीडियो के एंड में कि क्या ये क्वेश्चन आप वर्बली कर पा रहे थे, बिल्कुल वर्बली होगा ये क्वेश्चन बिना पेन कॉपी के, बिकॉज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो अभी मैं पेन से कुछ लिख रहा हूं, तो आप देखिएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन डायरेक्टली विदाउट यूजिंग पेन नोटबुक किया जा सकता है, वर्बली किया जा सकता है, क्योंकि कैलकुलेशन की टर्म आसान है, जो वैल्यूज दिए डेटा वो आसान है। तो आप बताओ क्या 4 का स्क्वायर वर्बली होता है सर? बिल्कुल होता है सर। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 इनटू द ड्यूरेशन, तो व्हाट इज 16 इनटू 1 16 सर, तो 16 को मैं वर्बली याद कर सकता था, 16 आया इसका, ये तो है फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स ये है, तो सेकंड बॉक्स का बोलता है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू ड्यूरेशन, व्हाट इज द ड्यूरेशन सर, द ड्यूरेशन इज 2 ओनली, क्योंकि 0.7 और 2.7 का ड्यूरेशन तो 2 है। तो अगर कोई स्टूडेंट फंडामेंटल टाइम पीरियड ही नहीं निकाल पा रहा, तो स्टूडेंट आपको कंसेप्चुअली वीक हो गए आप बहुत, ये आना चाहिए आपको, फंडामेंटल टाइम पीरियड तो कैलकुलेट करना आना ही चाहिए। कुछ लोग तो फंडामेंटल टाइम पीरियड गलत लिख देते हैं, अगर आप इनिशिएट ही रॉन्ग कर दिए स्टूडेंट, तो सारा कैलकुलेशन पार्ट फिर अलग डायरेक्शन में, रॉन्ग डायरेक्शन में जाने वाला है। ओके, तो यहाँ क्या करना चाहिए था आपको, 1/4 16 प्लस द -2 मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर इनटू द ड्यूरेशन 2। So what you will get student, you will get 1/4 16 plus -2 whole square is 4 2 8 only. So directly you can observe 16 + 8 is 24/4, answer is 6. So in numerical entry question student, you need to type 6 only. You need to type 6 only for this question. So बहुत आसान सा question था electrical 2017 जो कि screen पे question आप पहले देख पा रहे थे, अभी भी आप easily question को देख पा रहे हो screen पे, question का diagram मैंने आपके लिए वापस बनाया और solve कर दिया हमने
स्मार्ट वे से, इस बार मैं मल्टीपल मेथड नहीं लिखा, अगर मैं लिखूं फर्स्ट मेथड तो वापस वही हो गया, पावर का फॉर्मूला लगाओ -3 से 0.7 तक मैग्नीट्यूड स्क्वायर ड्यूरेशन और इंटीग्रेट करिए, तो वो सब रिडंडेंट काम अब हम नहीं करने वाले क्योंकि अब हम उस लेवल पे आ चुके कि अब हम डायरेक्ट स्मार्ट वे से बात करेंगे। आई होप यू गॉट द पॉइंट, मतलब क्या मैग्नीट्यूड स्क्वायर इनटू ड्यूरेशन, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर नेचर था। आइए देख लेते हैं एक और क्वेश्चन इसी पे बेस्ड, पावर सिग्नल एंड आरएमएस वैल्यू पे। ओके स्टूडेंट, तो डायरेक्ट आप ये क्वेश्चन को स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जो कि EC14 और इलेक्ट्रॉनिक्स 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पूछा है। एग्जामिनर इज आस्किंग फॉर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड यू नो वेरी वेल द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ पावर स्टूडेंट। तो अगर मैं इसको फर्स्ट मेथड से करूँ, तो अब मैं बात करता हूँ सॉल्यूशन का, क्वेश्चन यहाँ से अब हट चुका है, अब मैं बात करता हूँ फर्स्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आप बताइए फर्स्ट मेथड मतलब क्या, कि सबसे पहले तो पावर का फॉर्मूला लिख दीजिए सर। तो पावर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन व्हाट इज द फंडामेंटल टाइम पीरियड, कैपिटल टी, सो लिमिट 0 टू टी एंड मोड ऑफ एक्स टी होल स्क्वायर डीटी। स्टूडेंट मोड ऑफ एक्स टी होल स्क्वायर डीटी, तो जरा बताइए क्या कह रहा हूं मैं, सबसे पहले क्या इस लाइन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा, और इस लाइन का इक्वेशन भी अगर मैं फर्स्ट पीरियड उसको बोलूं जिसमें मैं ए और बी से निकालता था, मतलब x1 y1 x2 y2 निकालता था, तो ये फर्स्ट बनेगा, और सेकंड वाला मेथड वो बनेगा जिसमें मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख लूंगा। तो हम यहां ये नहीं देखना चाह रहे कि इसको कितने मेथड से सॉल्व करना, अब हम क्योंकि उस लेवल पे आ चुके हैं तो फर्स्ट मेथड में बोल सकता हूं जब मैं ए और बी का y-y1 से इक्वेशन लिखूं। अब मेरे को इक्वेशन में डायरेक्ट आता है तो वो डायरेक्ट वाला मेथड क्या हो गया, स्लोप इनटू टी, व्हाट इज द स्लोप स्टूडेंट, दिस इनटू दिस, सो जब स्लोप निकालोगे आप तो यू विल गेट y/2 तो स्लोप आया, इनटू टी बोला मैंने, मतलब यहां मैग्नीट्यूड में आपको मल्टीप्लाई करना टी प्लस इंटरसेक्शन पॉइंट इन द y एक्स। अच्छी बात ये है कि जीरो पे ही कट कर रहा था, तो इस लाइन का इक्वेशन मतलब यहां से लेके यहां तक की लाइन का इक्वेशन हो गया 2/T (t). तो यहां मेरे को पावर के फॉर्मूले लगा देना है 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके टी एंड द फॉर्मूला विल बिकम 2/T (t) होल स्क्वायर डीटी, होल स्क्वायर डीटी ना, यू नीड टू डायरेक्टली, ये हो गया आपका सेकंड मेथड। अगर मैं बोल रहा हूं इसको फर्स्ट मेथड कौन सा, तो फर्स्ट मेथड मेरा वही है जिसमें मैं लाइन का इक्वेशन लिख रहा हूं इससे y-y1 y2-y1 वाले से, ये स्मार्ट अप्रोच से मैंने लिखा। लेकिन हम करेंगे स्टूडेंट थर्ड मेथड से, और वो थर्ड मेथड आपको पता है कितना आसान है, और शायद अब आप डायरेक्ट रिलेट कर पा रहे हो, अब आप डायरेक्ट रिलेट कर पा रहे हो क्योंकि आप पिछले वाले वीडियो में और थोड़े पिछले इस वीडियो के पिछले पार्ट में उस चीज को समझ चुके। सो 0 to t and 0 to t by 2 क्यों लगाया मैंने, क्योंकि 0 से लेके फंडामेंटल टाइम पीरियड तो कैपिटल टी है स्टूडेंट, लेकिन ये जो है 0 से लेके टी बाई टू तक ही सिग्नल है, तो ये जो इक्वेशन है ना ये 0 से लेके टी बाई टू तक वैलिड है। अगर मैं और लिख रहा हूं आगे तो टी बाई टू से लेके टी तक सिग्नल 0 है एक्चुअली, जब आप इसको अप्लाई कर इंटीग्रेट कर दोगे सो व्हाट यू विल गेट 2 का स्क्वायर 4 बार आएगा, टी स्क्वायर मतलब ये टी क्यूब बन जाएगा, तो 4/t³ बन जाएगा एक्चुअली, और व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड टी स्क्वायर को जब इंटीग्रेट करोगे तो अल्टीमेटली यू विल गेट t³/3 एंड लिमिट गोज टू 0 to t/2 स्टूडेंट। तो जब 4/t³ तो ऑलरेडी बाहर है, इवन 4/3t³ बाहर है, 3 को भी बाहर ले लेते हैं, तो व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड, लेफ्ट इनसाइड इज t/2³, so what you will get, 4/3t³ is already outside, here is t³/2³ is 8 sir, so t³ will get cancel out and 4 2 is 8, so ultimate answer is 1/6 and ये तो power है sir and RMS will become root of power root 1/6 option, जो भी आप option में देख पा रहे हो ना वो correct answer is √1/6, correct answer is √1/6, okay, so correct answer is √1/6, you can clearly observe that option A is correct, option number A is correct, और ये है आपका second method to solve this question, और मैं आपको अभी बोल रहा हूँ कि इस method से नहीं करना, ये option A में था वहाँ, ये भी conventional हो गया हमारे लिए, conventional तो ये था पहला वाला first, और ये second भी, क्योंकि smart बना जाता है equation लिखना आपको smart, इक्वेशन लिखने से मैं मेथड 1 और 2 डिवाइड किया, मैं अगर इक्वेशन में उससे लिखता हूं कन्वेंशनल से मेथड 1 बोल दिया या मेथड 2 बोल दिया, और मेथड 3 जो आपको करना चाहिए वो क्या, मैंने आपको डायरेक्ट बताया था जब भी ट्रायंगुलर पल्स आती है ना तो उसका आप एनर्जी डायरेक्ट लिख देना, एनर्जी स्क्वायर अपॉन टी कर देंगे टोटल टाइम, तो फंडामेंटल तो फंडामेंटल टाइम का डिवाइड कर देंगे तो पावर आ जाएगा सर, और वंस यू गेट पावर जस्ट मेक इट रूट, रूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आरएमएस आ जाएगा स्टूडेंट। तो जरा बताओ पावर निकालने के लिए पहले टोटल एनर्जी निकाल दूं क्या सिग्नल का, टोटल एनर्जी क्या होता है, मैंने आपको शॉर्ट रन बताया a² / 3 × b, a स्क्वायर मतलब व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, 1² / 3 × b, मतलब ये डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब ये t/2 है सर, ये t/2 है, ये t/2 है, और व्हाट इज द फंडामेंटल टाइम, फंडामेंटल टाइम का डिवाइड कर दो तो पावर बन जाएगा, खत्म बात, तो आंसर आ गया सर 1 सेकंड को, ये t से t कैंसिल 1/6, ये थर्ड मेथड है मेरा, इट इज माय थर्ड मेथड, आप फील करो कि थर्ड मेथड को करने में ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड लगा क्या स्टूडेंट, इट विल नॉट टेक मोर देन 5 सेकंड एट ऑल,
एट ऑल टू सॉल्व द गेट प्रॉब्लम. सो आपको ये कन्वेंशनल वे से नहीं करना, फर्स्ट मेथड से नहीं करना, आपको करना है थर्ड मेथड से, जो कि स्मार्ट मेथड है. अगर पावर 1/6 है तो आरएमएस कितना है? √1/6. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. सो यू कैन डायरेक्टली फील कि कितना आसान आपके लिए ये बन रहे हैं. तो बहुत इजी है, आसान है. EC5 EC14 क्वेश्चन को 14 से कम सेकंड में किया जा सकता है थर्ड मेथड से. इधर ओके, जब स्टार्ट किए थे तो ये मेथड होता है. सारे गेट सॉल्यूशन बुक में ये मेथड लिखा है. ऑल सर ऑल गेट सॉल्यूशन बुक जितने भी इंडिया में इंस्टीट्यूट अवेलेबल, सबकी गेट बुक में ये सॉल्यूशन आपको मिलेगा. लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मेरा स्टूडेंट ऐसा करेगा. आई होप यू गॉट द पॉइंट स्टूडेंट. सो यहां आप फील कर सकते हो कि कैसे स्मार्ट वे, कैसे शॉर्ट ट्रिक, कैसे मल्टीपल वेज आपको यहां मिल रहे हैं. ओके स्टूडेंट, सो इफ यू रियली लाइक द वीडियो, जस्ट शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. ओके, अभी हम बात करते हैं कि एक और लास्ट क्वेश्चन की, जो कि इसी पे बेस्ड है. ओके ओके स्टूडेंट, तो आगे देखते हैं कि कैसे उस थर्ड मेथड को, अब मैं फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड की बात नहीं करने वाला, आपको केवल ये डिफरेंस बताना था कि क्या कन्वेंशनल और क्या स्मार्ट वे में डिफरेंस है. इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगा कि सभी स्टूडेंट स्मार्ट वे, अब मतलब ये वीडियो हम अब एंडिंग की तरफ है, मतलब ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का. तो ध्यान दीजिए कि कैसे इसको स्मार्ट वे से हम करें. तो आपको ये पता है कि सर ये ट्रायंगुलर नेचर है और पावर का मतलब होता है टोटल एनर्जी अपॉन टोटल टाइम. सो टोटल एनर्जी मतलब यहां आ रहा है टोटल एनर्जी कैलकुलेशन, और टोटल मतलब फंडामेंटल टाइम पीरियड कैपिटल टी है, मतलब कैपिटल टी का डिवाइड कर दीजिए. सो क्या ये पहला वाला सिग्नल ट्रायंगुलर नेचर है? और ट्रायंगुलर नेचर बोलता है कि आपको करना है कि आपको करना है a² / 3 × b करना है. a² / 3 × b मतलब ये कितना है? -6 है सर. तो यहां क्या लिखेंगे आप? -6 - 6² / 3 × b. b मतलब कितना है सर? b मतलब है आपका डिस्टेंस t/2. ये b है t/2. ए स्क्वायर मतलब -6² / 3 × b हो चुका है प्लस, और ये तो एक स्क्वायर नेचर है. स्क्वायर नेचर मतलब रेक्टेंगुलर पल्स है, मतलब क्या करते हैं? केवल मैग्नीट्यूड स्क्वायर इनटू ड्यूरेशन. सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड स्क्वायर? सर 6² व्हाट इज द ड्यूरेशन? अगेन t/2 ड्यूरेशन. इसका ड्यूरेशन t/2 है, तो ये t/2. बस खत्म हो गया क्वेश्चन. ये थर्ड मेथड से किया आपने, डायरेक्टली आपने थर्ड मेथड से किया. तो आप देखो टी से टी निकल के तो कैंसिल हो ही रहा है वैसे, और 6² होता क्या है? व्हाट इज 6² 36 / 3 × 6 हो रहा है, 3 × 6 नीचे प्लस, मैं टी को कॉमन लेके कैंसिल भी कर दिया हूं नीचे. अब आप बाकी की बात कर रहा हूं. तो ये रहा आपका 36 / यहां पे ये 6² / 2 मतलब ये रहा. तो 36 / 6 मतलब ये 6 टाइम हो गया कैंसिल. और यहां आप देख सकते हो कि ये हो गया आपका कैंसिल कितने बार स्टूडेंट? 36 से ये हो गया 18 टाइम कैंसिल. तो आप देख सकते हो कि आंसर आ रहा आपका 24. आंसर आ रहा आपका क्या? 24. और जब मैं ये तो पावर आया सर, तो पावर आया 24, तो आरएमएस क्या हो जाएगा? आरएमएस हो जाएगा √24. आरएमएस कैलकुलेशन इज √24. सो √24, अब हम √24 को भी ऑप्शन में इसमें 6 × 4 लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हो कि 6 × 4 = 24 होता है, और 4 को क्या रूट में बाहर निकाल दें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2√6. 2√6 का मतलब ऑप्शन नंबर ए. 2√6 का मतलब ऑप्शन नंबर ए. तो क्या आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख सकते हो. तो आप लोग फील कर सकते हो स्टूडेंट कि कैसे हमने स्मार्ट वे से इस क्वेश्चन को किया. थंबनेल में आप देख रहे होंगे कि हेडिंग ये था कि स्मार्ट वेज टू अटेंड, स्मार्ट वेज टू अप्रोच और सॉल्व द गेट प्रॉब्लम्स. ओके स्टूडेंट, तो पहले हमने कन्वेंशनल वे सीखा, कंक्लूजन निकाले, बॉक्स बनाए, स्टारमार बना के इंपॉर्टेंट नोट बनाए जो हमारे लिए शॉर्ट टर्म की तरह वर्क कर रहे हैं. हमने ये भी सीखा कि कैसे स्मार्ट मैथमेटिकल इक्वेशन को लिखा जाता है, और सबसे स्मार्ट तरीका कि कैसे मैग्नीट्यूड स्क्वायर इनटू ड्यूरेशन करके निकाल दिया जाता है विदाउट अप्लाइंग द फॉर्मूला इवन. आई होप यू गॉट द पॉइंट. जैसे हमने ट्रायंगुलर पल्स में, आप देखो इसका कन्वेंशनल मेथड क्या था. व्हाट इज द कन्वेंशनल मेथड? आपको इस लाइन का इक्वेशन लिखना पड़ता, और इस लाइन का इक्वेशन भी कैसे, या अगर आपको वो भी नहीं पता इक्वेशन लिखना कैसे आता है स्मार्ट, तो आप लिखते y1 x1 y1 x2 y2 से, तो वो कितना लेंथी था सोचो आप. अगर आपको इक्वेशन लिखना आता तो कैसे लिखते आप? स्लोप इनटू टी प्लस इंटरसेक्शन पॉइंट इन द y एक्स, फिर इसको इंटीग्रेट करते, स्क्वायर करते, फिर यहां भी इंटीग्रेट करते, तो वो भी कितना लेंथी हो जाता, वो होता सेकंड वाला. और थर्ड वाला मतलब मैं आपको बोल रहा हूं कि कुछ करना ही नहीं है, अरे पावर का फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, केवल क्या करना है? a² / 3 × b और a² × b, बस दैट्स इट. मैग्नीट्यूड स्क्वायर ड्यूरेशन और मैग्नीट्यूड स्क्वायर इन ड्यूरेशन अपॉन 3 प्लस कर दो, आंसर आ गया. वो आ गया पावर, और आरएमएस निकालना है तो रूट कर दो बस, एट दैट्स इट स्टूडेंट. आई होप यू गॉट द पॉइंट. सो थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में और देखेंगे कुछ अच्छे टॉपिक के साथ. ओके थैंक यू.